दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर, आप लाइव हो मेरे चैनल पे यानी किशोर कुमार वैलिडिटी पे। तो आज आपको देने वाला हूँ इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं कराना है अपने फोन नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर से। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है और जैसे कि हमको पता था कि दिसंबर में यह अनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि मार्च का 31 तारीख लास्ट डेट रहेगा अपना आधार नंबर लिंक कराने के लिए अपने फोन नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर से। तो आपको वो करना है नहीं तो कब करना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कहा है कि अब इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक सुप्रीम कोर्ट बताता नहीं है तब तक आपको इस चीज को लिंक कराने की जरूरत है नहीं। तो इस पर हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज आर्टिकल आया है, वही मैं आपको अब दिखाऊंगा अपने लैपटॉप में लेके जाके, और चलिए फिर वो आर्टिकल देख लेते हैं। दोस्तों ये रहा वो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ है आधार लिंकिंग डेडलाइन एक्सटेंडेड इंडेफिनेटली टिल सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स वर्डिक्ट। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट आदेश आने तक अब ये प्रोसीड्यूर फॉलो करने की जरूरत है नहीं, मतलब अपने आधार कार्ड को अपने फोन नंबर और बैंक अकाउंट नंबर से लिंक कराने की हमें अब जरूरत नहीं है। मार्च 31 तारीख का जो डेडलाइन था वो अब है नहीं। इसका कारण ये है कि इसमें लिखा हुआ है दे आर्ग्यू दैट मैंडेटरी लिंकिंग ऑफ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर विद सर्विसेज विल कॉम्प्रोमाइज एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। इसका मतलब है इंडिविजुअल प्राइवेसी नष्ट होने जाने के कारण ही ये डिसीजन लिया गया है और अब हमको वेट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का नेक्स्ट ट्राई आने तक कि कब हमें ये लिंक कराना है या फिर लिंक कराना है नहीं। और ऐसे लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।